नम नम। ओवरऑल काफी लंबे टाइम से मैं कोई सा भी ऐसा बैटल वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये वाला बैटल वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन मुझे ये जानना है, क्या तुम्हें सुसाइड स्क्वाड पसंद नहीं है? अगर नहीं है, वीडियो छोड़ दो और जाओ, चले जाओ या चैनल से मत देखो मेरी इस वीडियो को। तो ये वीडियो कमाल की होने वाली है, और अगर आपने सुसाइड स्क्वाड नहीं देखी है तो बाहर में जाओ, सही बताऊँ तो। और जहाँ तक आपको पता होगा, तो सुसाइड स्क्वाड कुछ ही वक्त में रिलीज होने वाली है, और हमारे जेम्स गन ने इस बार किलर क्रॉक को हटा करके किंग सांक नाम के भयंकर प्राणी को डाल दिया है इसमें, जो कि नॉर्मली सुपर बॉय का बहुत ही क्यूट सा विलन है। हाँ, क्यूट है ये, बहुत क्यूट है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो किलर क्रॉक वर्सेस किंग सांक के बैटल को हम आराम से स्टार्ट करते हैं, थोड़े मजे लेकर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देखने के लिए हमें बहुत मजा आता है। और सही बताऊं, इन दोनों की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, इनकी वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे, और किसकी डिवर्बिलिटी ज्यादा है, इस बेसिस पर हम देखेंगे कि इस मैच के विनर कौन होगा। तो अब चलिए, आप फटाफट जाकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों के फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है। और मैं बढ़ता हूँ हमारे प्यारे किलर क्रॉक की तरफ। तो ये गॉथम सिटी में रहने वाला एक नॉर्मल सिटीजन विलियम जोन्स था, जो कि आगे चल करके कुछ टेक्निकल और इनडायरेक्टिबल डिसीज के कारण इस तरीके की मेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी को एडॉप्ट कर लेता है, और इसके बाद काफ़ी हद तक ये पागल होने लगता है। जब ये इंसेनिटीज के अंदर आने लगती है तो ये गटर में रहने लगता है, और इसी के साथ साथ धीरे करके ये अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है गटर में, और फिर ये क्राइम्स करने लगता है, और पेट का सवाल है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो लोगों को खाने लगता है कई बार। तो यहाँ पर ये है हमारा प्यारा किलर क्रॉक, और इसकी पावर्स एंड एबिलिटी की अगर हम बात करें, इसकी ये नई फिजियोलॉजी इसे एनहेंस स्ट्रेंथ देती है। ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्सिव स्पीड्स में अपनी एजिलिटी का भी यूज़ करता है। स्टेमिना तो है ही है इसके पास, सेंसेस बहुत ही खास हो चुके हैं क्योंकि गटर में पूरे वक्त रहता था, तो छोटी छोटी आवाज़ को भी बहुत ही गहराई से सुन सकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसके दांत बहुत ही ज़्यादा ढांसे हो चुके हैं, इसके पास कई तगड़े क्लॉस आ चुके हैं, और इसके स्किन पर स्केल्स हैं, और हाँ, इसके पास एक एक्सेलरेटिव हीलिंग फैक्टर है जो कि इसे इसकी चोटों से काफ़ी जल्दी हील करने में मदद करता है। अब अगर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे और मेरे फेवरेट कैरेक्टर की तरह, तो ये है किंग सांक। नानी उर्फ किंग सांक को हम सुपर बॉय के कॉमिक्स में पहली बार देखे थे, और यहाँ पर हम घुमा फिरा करके कहें तो ये द सांक गॉड का बेटा है, जो कि एक ह्यूमन के साथ ज़्यादा अजीब हो गया ना, कोई बात नहीं, पर ये डीसी कॉमिक्स है, तो डीसी कॉमिक्स वाले इस तरह से और ज़्यादातरी सुपर बॉय से पंगा लेता है, तो समझ लीजिए कि इसके पास ड्यूरेबिलिटी तो काफ़ी हद तक होगी, और रीजेनरेटिंग हीलिंग फैक्ट्रीज का काफ़ी ज़्यादा एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि उसके पंचेस को झेलना तो कोई छोटी मोटी बात होगी नहीं। और अगर सुपर बॉय के साथ लफड़ा हो रहा है तो उसके पप्पा जी के साथ तो लफड़ा होगा ही होगा, यानी कि हमारे सुपरमैन के साथ। अब ये तो इस बार ये सुपर बॉय से नहीं लड़ रहा है, लेकिन सुपर बॉय से कम वाले कैरेक्टर से भी नहीं लड़ रहा है, इसके सामने किलर क्रॉक है इस वक्त। तो इसकी एबिलिटीज को भी देख लेते हैं, सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, इनविलिटी, चार क्लॉज एंड सांक लाइक टिप्स, एनहेंसेस, सोलर कैपेबिलिटीज, अंडर वाटर फिजियोलॉजी, रीजेनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, लॉन्गेविटी, और टेलीपैड से रेजिस्टेंस है इसके पास। अब मैं ना जरा ऊपर नीचे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यहाँ पर किंग सांक जीतेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स हैं। यहाँ पर जहाँ तक किलर क्रॉक की बात करें तो वो गटर में रहने वाला है, अगर वो अंडर वाटर फाइट में जाता है तो हमारे किंग सांक के पास यहाँ पर गिल्स हैं, और जहाँ तक हम जानते हैं हीलिंग फैक्टर वो हमारे प्यारे किलर क्रॉक से कहीं ज़्यादा स्पीड वाली है, तो जितना भी मार खाएगा भैया जी वो उतने ज़्यादा। किंग सांक का वजन है 10 टन, और वहीं हमारे किलर क्रॉक का वजन है 2 टन, तो यहाँ पर समझ ही लो किसके पास कितनी औकात है वाली बात। और जहाँ तक हम देखते हैं किलर क्रॉक काहे में किससे लड़ता है, बाइटी से। बाइटी का क्या है, बाइटी ज़्यादातर यूज़ करता है गैजेट्स का और अपने पावर का, तो पावर में कितना हुआ, बैटी एक इंसान है, मतलब एक ट्रेन और एनहेंस सेंसेस वाला एक बंदा है जिसके पास हद से ज़्यादा गैजेट्स हैं, और उसकी सुपर पावर है पैसा, तो समझ ही लो ये किलर क्रॉक को हरा देता है काफ़ी बार। और जहाँ तक मुझे लगता है किलर क्रॉक को ये वाला फाइट बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा, और इस मैच का विनर हमारे प्यारे किंग सांक भैया जी हो सकते हैं, वो वाला वीडियो लगाना ही पड़ेगा। Now fellas, look, I know it's just in fun, but what the fuck did I tell you about that word? Oh yeah, sorry King. Ooh, sorry about that. Oh, they're learning. Baby steps. Right, Harley? I will kill each and every one of you with my bare hands and my ass.
वेल गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ वॉच पार्टी करने का, क्योंकि हाल ही उनकी जो सीरीज है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है यार। और सही बताऊँ, अगर बर्स्ट ऑफ प्री की बैक स्टोरी अगर यही होती तो सच में मज़ा आ जाता। आप दरअसल इस वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बैन टैन ऑफ